नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल प्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से, अधिवक्ता हड़ताल पर पक्षकार परेशान। जबलपुर के पाटन में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की मांग को लेकर वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। वकीलों का कहना था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वे हड़ताल पर रहेंगे। पाटन अधिवक्ता संघ का कहना है कि पाटन, कटंगी और शाहपुरा क्षेत्र की जनता विगत 15 वर्षों से व्यवहार न्यायालय पाटन में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की पदस्थापना की मांग कर रही थी, जिसकी आवश्यकता को देखते हुए शासन ने वर्ष 2017 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का पद स्वीकृत कर दिया, लेकिन आज दिनांक तक रिक्त पद पर पदस्थापना नहीं की गई। इसके विपरीत व्यवहार न्यायालय पाटन को विखंडित कर शाहपुरा में अतिरिक्त व्यवहार न्यायालय की स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे अधिवक्ता आहत है। एक मिनट, हाँ और बोला ले अंदर आया। अच्छा, केसी किया है जी, वकीलों की हड़ताल है, सब तो केसी नहीं हो पाया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पदस्थापना के लिए हम लोग विगत 15 वर्षों से मांग कर रहे हैं। 2 वर्ष पूर्व शासन ने हमारी मांग को स्वीकार करते हुए पाटन में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पद की स्थापना कर दी, परंतु माननीय न्यायालय से बार बार निवेदन के पश्चात भी पद रिक्त पड़ा हुआ है, वहां पदस्थापना नहीं की जा रही है। वहीं जबलपुर में लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हाईकोर्ट चौक से रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन भी किया गया। रन फॉर यूनिटी दौड़ को कलेक्टर श्री भरत यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ कलेक्ट्रेट से तैयबली पेट्रोल पंप, नौदरा ब्रिज, नगर निगम चौक होते हुए पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में समाप्त हुई। रन फॉर यूनिटी में राज्यों राष्ट्रीय स्तर पर जबलपुर का नाम रोशन कर चुके खिलाड़ियों के साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। कलेक्टर सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौड़ में शामिल हुए। दौड़ को हरी झंडी दिखाने के पहले कलेक्टर ने सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता का संकल्प दिलाया। रन फॉर यूनिटी के समापन पर पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में सरदार पटेल एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जो है शहीद स्मृति में दिवस है, इसमें आज रन फॉर यूनिटी हो रही है और जो संकल्प है वो भी दिलाया जाएगा समापन पे। और आज हम दोनों महान विभूतियों को याद कर रहे हैं और उसी के तारतम्य में ये रन फॉर यूनिटी रखी गई है जो बस अब शुरू होने वाली है। सर, कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये? कलेक्ट्रेट से जाके और अपना राइट टाउन स्टेडियम तक जाएगी और राइट टाउन स्टेडियम में इसका समापन होगा।